हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे पेशेंट नरेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। ये हमारे उन पेशेंट्स में से हैं जिनको जिनकी अभी रानोप्लास्टी सर्जरी हुई है। अभी 1 महीने का समय भी नहीं हुआ है। नरेंद्र जी, क्या परेशानी थी आपको जब आप आए थे? मुझे सर परेशानी ये थी, मेरा नाक बहुत दबा हुआ था, इतना दबा हुआ था तो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो जी मैंने सोचा राइनोप्लास्टी करूं, तो मैंने बहुत वीडियो देखे सर, करीब 3 4 महीने सर्च किया सर। ठीक है। हाँ मैंने डीके सर के सर सबके वीडियो देखे, लेकिन मैंने सुमित सर का भी वीडियो देखा। मुझे सुमित सर का काम अच्छा लगा और रिजल्ट भी अच्छे लगे। सुमित जी, सर के मैंने कम से कम 20 वीडियो अभी तक देखे सर मैंने, बहुत तो मुझे बढ़िया। लगा सर का रिजल्ट भी अच्छा है। तो सर से मैंने करीब 1 महीना मई में बात की थी, लेकिन मेरा मई में आना एडजस्ट नहीं हुआ, तो मैं जून में आया सर से मिला और जुलाई में मैंने डिसीजन लिया रैनोप्लास्टी की। अभी तो मुझे बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है सर, अभी मेरा 1 महीना ही हुआ करीब, तो जी फाइनल रिजल्ट आने का 6 महीने लगते हैं। तो अभी अच्छा लग रहा है सर, मेरे को कॉन्फिडेंस अभी बहुत हुआ सर अभी। बहुत बढ़िया। हाँ, वो जरूरी है। हाँ ऑपरेशन मुख्यतः राइनोप्लास्टी या कोई भी जो अपने के भी चेहरे का सबसे मुख्य भाग हाँ नाक है जो सामने दिखता है, तो उसका अच्छे से दिखना, वो उभर के आना बहुत आवश्यक है। वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस बहुत को प्रोवाइड कॉन्फिडेंस हुआ करता सर। मैं टीचर हूँ सर, है। मैं बड़े बड़े स्कूल में जाता हूँ, स्पीच जी देता हूँ, तो मेरे को जी थोड़ा सा फील लग रहा था नाक की वजह से। जी जी अभी जी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं जॉब पे जाऊंगा सर 1 महीने के जी बाद, तो जी और अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा है। मुख्यतः इनके बारे में बताएंगे हम आपको। इनको सडन नोज डिफॉर्मिटी थी, जिसमें कि डॉर्सम ऑफ द पार्ट जो ईयर और नोज नाक का हिस्सा होता है वो दबा हुआ रहता है। बीच वाला पार्ट रहता है नोज का, वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। इस कारण जो नाक वाला हिस्सा है वो बहुत दबा हुआ रहेगा, तो हमारा चेहरा उभर के नहीं आ पाता। और साथ में मरीजों को इनको जो मैक्सिला वाला पार्ट है ये भी कंपैरेटिवली डिप्रेस रहता है, इसलिए ये चीज आपको ज्यादा दबी भी लगती है। तो नाक वाला हिस्सा भी क्योंकि दबा हुआ है, तो इसलिए चेहरे के ऊपर वो चीज अच्छी नहीं लगती है, और इससे मरीज का कॉन्फिडेंस भी असर पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मरीज ऑपरेशन से एवं उसके बाद के रिजल्ट से खुश है। अब कब ज्वाइन करेंगे आप? अब सितंबर में ज्वाइन करूंगा स्कूल में सर, जी, अभी तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो थोड़ा सा लगता है मेरे को, ऐसा आपने आपसे बात की, मैंने अभी तो 6 महीने लगेगे ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पार्ट ये दबा हुआ ये ऐसा है, तो कम से कम 6 महीने बिल्कुल फाइनल हाँ, रिजल्ट और मिले। अच्छा हो जाएगा, और अच्छा होगा। अभी तो ये तो शुरुआती समय है, धीरे धीरे करके इन सब चीजों में और धीरे धीरे समय के साथ में सुधार होता रहता और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को सर, अभी अभी है। बहुत हाँ आसान लगता है मेरे, पहले थोड़ा थोड़ा जी लगता था जी जी तो मैं स्कार्फ बांधता था, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं मेरे को। चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।